आपको दिखा दूं, ये बस स्टॉपेज है, वो 5वीं लेक के सामने है ये। और बारिश का मौसम था, बाहर कैंपिंग नहीं हो पा रही थी, तो मेरे को ये जगह मिल गई तो मैं यहाँ पे सो गया था। आपको देखो तो ये अपना सिलेंडर विलेंडर सब पड़ा है, खाना खुना खा लिया, नाश्ता बना लिया था सब। आज फिर पहाड़ों की सैर करनी है, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो अपना दनों निकालते हैं, ये अपना आज का, ये देखो बस स्टैंड बना रखा है। और बस स्टैंड का भी ना शीशे भी एल्युमिनियम वाले लगा रखे हैं, अपने वाले तो सोच भी नहीं सकते, ताकि यहाँ पे वेटिंग में बारिश बुरिश आती रहती है ना, तो वेटिंग में लोग जो बैठे रहें उनको दिक्कत ना हो। और ये 5वीं झील है भाई, और ऊपर सामने बादल हो रहे हैं, और हमें इस साइड पहाड़ पे जाना है, इस वाले पहाड़ पे हमें जाना है। अपने पास दो ऑप्शन है, क्या करना चाहिए आप बताओ। एक तरफ तो ये अपनी बहती हुई नदिया की धारा है, और दूसरी तरफ वो है ओनसेन। ओनसेन बोलते हैं यहाँ पे, गर्म पानी का चश्मा है, उसमें मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे, और यहाँ पे मैं फ्री में नहा सकता हूँ। तो आप जो एडवाइस करोगे, फ्री में है पर टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री है भाई, और साइकिल चलानी है, तो मैं तो वो चूज करूँगा। आप तो मन बेरा है, नदी में कुदा के राजी हो मिलती। खैर वो तो एक बात थी कहने की, यूँ ही नहीं कहा जाता कि जापानीज हार्ड वर्कर होते हैं, माता की उम्र 100 साल से ऊपर है और सरसों का साग काट रहे हैं, हंस रहे हैं। थैंक यू। अपने आप ही दुकानदार आएगा और वो लेके चला जाएगा, तो ये सब कितना अच्छा लगता है देख के कि 100 साल की उम्र में भी ये लोग काम कर रहे हैं। और अपने वाले देखो, उससे वो खड़ा नहीं हो जा रहा, पर फिर भी वो मतलब इतना मस्ती से काम कर रही है और खुश है, मजा आ जाता है देख के। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और कोई बंदा भी नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली सुबह 9 बजे का टाइम है, यहाँ पे सारी मार्केट वार्केट सब 10 बजे खुलती है। मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, बाइसाइकिल अलाउड है, पर हाइट है भाई, पहाड़ है, क्यों बिना कम चढ़ाई रोड कवर करांगे इतनी देर में। तो वाट लग रही है पूरा, आईटी 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 आईटी, पसीने पसीने में पसीना। भाई एक चीज दिखानी थी जो मेन है, ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं रास्ते में, और रिफ्लेक्टर के ऊपर है ना एक पंखा लगा रखा है पहले इस पे, और ये पंखे के सिलिकॉन के वो लग रहे हैं। एक तो इसको साफ कर देंगे साथ की साथ है, और दूसरा इसी से बिजली पैदा होती है, तो ये रात को जलते भी हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है जापान की, ये रोड साइड रिफ्लेक्टर लगे हैं, जहाँ भी मोड़ आता है ना इस टाइप के रिफ्लेक्टर। एक पेड़ है फूल देखो इसके, एक्चुअली ये ऐसे हो जाते हैं ये सारे सीजन में, पर अब ऑफ सीजन है तो कोई थोड़ा एक आधा पेड़ रह रहा होगा। तो एक पेड़ का रंगीन देखो सफ़ेद फूल है, तो ये पूरा एरिया सफ़ेद हो जाता है जब यहाँ पे फूलों का सीजन आता है। ओकाया बैटरी नाम तो सुना ही होगा, हाँ इंडिया में तो काफ़ी चलती है। ये वो शहर है ओकाया, जिसके नाम पे उस बैटरी का के ओनर ने मतलब रिसर्च कर प्रोडक्ट है इसका। चुवो के बाद में ये सिटी आई है 20 किलोमीटर चल के, और अभी हमें नॉर्थ साइड पहुंचने में 160 किलोमीटर और चलना है, और दिन छठा हो गया, शुरू क्या हो गया 12 बज गए भाई चलते चलते, पर ठीक है मज़ा आ रहा है। हवा पीछे की आ रही है, अच्छी बात ये है, तो स्पीड से जा रहे हैं, आगे देखते हैं कितनी दूर रहती है ये, क्योंकि यहाँ हवा 5 मिनट बाद में चेंज हो जाती है, पता नहीं चलता कि कब हवा चेंज होगी है।
पर ओकाया सिटी बड़ी सुंदर है ये देखिए। भाई रोड पे गलत टर्न कभी मत लेना चाहिए। मैं इस रोड से 40 मीटर नीचे था और अभी ये रोड मेरे से 40 मीटर नीचे आ गया 200-300 मीटर में। यूं घुमा रहे हैं सारे, यूं देखना, और अभी भी 101 मीटर और ऊपर जाना है। बुद्धिस्ट क्या कहते हैं अपने शमशान घाट यार वो है, और ये बुद्धा के कितने प्यारे प्यारे स्टैचू बना रखे हैं इन लोगों ने। और यहाँ पे अगरबत्ती लगाते हैं पर फूल हर जगह मिलेंगे इन लोगों के। ये मोमबत्ती जला के जाते हैं यहाँ पे याद में किसी की, और ऊपर सारी वो जो कब्र है इनकी वो है, और ऊपर ऊपर नहीं नीचे भी है, शहर बसा हुआ है नीचे, और ये कब्रिस्तान इन्होंने ऊपर बना रखा है। तो भाई अपने अपने देश के अपने अपने वो होते हैं। फैक्ट्री है, दारू दूर लेनी हो तो बता देना। वाइन की फैक्ट्री एक्चुअली, ये ड्रम पड़े हैं यहाँ पे, अंगूर की खेती होती है बहुत ज़्यादा, तो आसपास में कहीं अंगूर की खेती होती है ना, पिछले शहर में हो रही थी, तो ये मेल्ट करके ना और इस तरह के मतलब गढ़ा, ये बड़ा गढ़ा हुआ है, ये गढ़ा दबाते हैं, और ये गेट है एक्चुअली उसका फैक्ट्री यहाँ 200-400 मीटर अंदर लपस है। जी तो करें अंदर घुमा के लाऊँगा आप लोगों को, पर अलाउड नहीं है। तो फैक्ट्री कौन सी है, म्यूज़ियम ऑफ विस्की, अरे वाह, संतोरी म्यूजियम ऑफ विस्की, अरे वाह, म्यूजियम भी बना रखा है इन्होंने तो विस्की का। पर अभी शाम हो चुकी है यार, और आज दिन चौथा या पांचवा हो गया, मैं तो दिन भी भूल गया यार कौन से दिन से मैं चला था, आई थिंक पांचवा दिन है। पर साइकिल की सवारी का ये मज़ा होता है भाई, कहीं अपना कुछ दिखा, रोका, तोड़ा, ते खाया, अब दिखाऊँ तुमने किया, बताइयो कि है सैतूत। और जमाइन लाल हो रहे हैं, जमा बरे बरे खड़े, थोड़ो दिखाओ, देखो मेरा जी करो घंटा दो घंटा इसी पे लागे रहूं, तोड़ के नरजोड़ा भर ले चलूं, रास्ते में खांदा रहूंगा। दिखा दूं आपको ईंट, यहाँ जो लोकल ईंट यूज करते हैं क्योंकि पहाड़ होता है तो, और अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो बिल्कुल छोटी सी ईंट है ताकि नुकसान ना करे। वेट भी इसका मेरे ख्याल में आधा किलो और पौने किलो के बीच में है। इस टाइप की ईंट मोस्टली यहाँ पे घरों में यूज करी जाती है, कोशिश करते हैं कि ईंट यूज ही ना हो, पर फिर भी जहाँ यूज करनी पड़ती है वहाँ पे बिल्कुल हल्की ईंट यूज करते हैं ये लोग। ये चेस्टनट, चेस्टनट का पेड़ है भाई, चेस्टनट क्यों है भाई बताइयो,
और अंगूर की बेल है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अंगूर हैं, इनकी बेल है। और ये ऐसे फूल लग गएंगे, देखो इस पर अभी फूल कौन लगे हैं, ये देखो एक के भी ऊपर ही, अभी ये फूल हो जाएंगे सफ़ेद। डिफरेंट चेरी की वैरायटीज़ हैं भाई, ये चेरी के पेड़ है और उसकी वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। मैं फ़ोटो भी अपलोड करूँगा। यो अरे डट जाओ आड़ू, मतलब आड़ू इनको बोल रहा हूँ भाई, आप लोगों को नहीं। तो ये आड़ू के पेड़ हैं और आड़ू की भी कलम तैयार कर करके ना, और एक पौध मतलब जो है 600 रुपए है, तो लगभग 400 रुपए इंडियन के हिसाब से 400-350 के बीच में एक पौध तैयार हो रही है। टाइम सुबह कह रहा था कि मैं नदी में नहाऊं या उसमें जाऊं, तो उसकी तरफ गया जो होट वाले की तरफ, तो वहाँ पे वो 9 बजे खुलना था और उस टाइम 8 बजे था, तो 1 घंटा मैंने वेट नहीं किया, तो बगैर नहाए चल रहा हूँ। और अब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आज मुझे कोई हॉस्टल उस्टल या मिलेगा, तो कहीं तंबू आज फिर लगाना पड़ेगा, देखते हैं भाई, अपनी तो यूँ ही कटनी है।